दोस्तों, शुभ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शुभ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी से एक बात कहने के लिए आई हूँ। दोस्तों, ये बात आज के युवाओं के विषय में है। आप सभी को पता होगा कि ट्विटर पर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट का एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट, जिसमें एसएससी के स्टूडेंट्स ने अपनी मांग को रखा है सबके सामने। और दोस्तों, ये समय है कि हम सबको एक साथ आना चाहिए। हम सारे टीचर्स जो टीचिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस सबको एक साथ होना चाहिए। ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को, बल्कि जितने भी कोचिंग वाले हैं, सभी कोचिंग वालों को एक साथ आना चाहिए और इस मुद्दे को इतना ज़्यादा ट्रेन करना है, इतना ज़्यादा ट्रेन करना कि ये प्रधानमंत्री की नज़रों में आए और मीडिया की नज़रों में आए और हमारी बात सब तक पहुँचे। दोस्तों, अगर हम आसान बैठ गए तो फिर कभी भी हम एक साथ नहीं आएंगे। ये समय सबको एकजुट होने का है। और ट्विटर पर हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर्स, इसको आपको बार 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 रिट्वीट करना है, जिससे हमारी बात भी सभी तक पहुंचे। आप सबको ज्ञात होगा 69,000 भर्ती का भर्ता बन चुका है, पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या सरकार इसी तरह हमसे जो है नौकरी का वादा करेगी और उसके बाद जब भी चुनाव आएंगे, नौकरियां आती हैं, जहां चुनाव ख़त्म हुए वो नौकरी ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, ना तो रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आएगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दांव पेच सरकार के द्वारा रहेगा कि वो भर्ती जाके कोर्ट में फंस जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी तरह से जो है परीक्षा करवाई गई तो उसमें जो है आंसर की गलत आती है, आंसर की को सही कराने के लिए आपको हज़ारों रुपए देना पड़ता है, तब जाके वो हज़ारों रुपए देने के बाद वो फिर से आंसर की रिवाइज होके आती है और वो भी सही नहीं रहती है। कब तक ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी सरकारें? हमें एक साथ मिलकर काम करना है इस समय। ये नहीं देखना है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है या इससे हमें क्या लाभ मिलना है आगे चल, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये टीचरों का काम नहीं है या जो इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भविष्य में टीचर बनना है, उनका काम नहीं है। लेकिन अगर हम आज अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारे हक के लिए आएगा कौन? कौन हमारे हक की बातें करेगा? इसी तरह से हम अपना नौकरी का सपना देखते देखते एक दिन ओवर एज हो जाएंगे और फिर हमारे हाथ से तो नौकरी निकल गई और दुनिया हमें देखती है कि हाँ, हमारे अंदर ही कमी है, इसलिए हम नौकरी नहीं पा पाए। तो अगर हम सब एक नौकरी का सपना देखते हैं तो हमें एक साथ आना ही होगा। और इस हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर्स को इतना आप रिट्वीट करिए, इतना रिट्वीट करिए कि एक ट्रेंड बन जाए, ट्रेंड में आ जाए। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमें अपना साथ दें और जिस भी माध्यम से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसे आप करिए। आपका सहयोग इस समय बहुत 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 आवश्यक है। कृपया करें, अपना थोड़ा सा अमूल्य समय निकालें और इस ट्रेंड को